अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डब्ल्यू बी कोडेक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग एआई को यूज़ करते हुए अपने यूट्यूब चैनल के लिए किस तरह शॉर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, और वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ, लाइक एक दफ़ा ही मेहनत करके आप 300-400 शॉर्ट्स जनरेट कर लें और उसे डेली बेसिस पे अपलोड करें फॉर द चैनल अथॉरिटी एंड रेगुलर अपडेशन। शॉर्ट्स पर आप लोगों को मैं एक चैनल दिखाता हूँ। अब ये चैनल आप लोग देखें, इसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 250K सब्सक्राइबर्स हैं एंड 1.3K वीडियोज हैं। अब ये वीडियोस, ये वाली शॉर्ट्स बनाना इतना आसान है एआई को यूज़ करते हुए, और एक ही बारी में आप 100-200 शॉर्ट्स बना सकते हैं। और आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि आप इस तरह की शॉर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं एआई से। तो सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना है अपने चैट जीपीटी पे। मैंने अपने चैट जीपीटी को लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको कुछ कमांड्स दूंगा, लाइक कुछ क्यूरीज दूंगा। चैट जीपीटी को मेन चीज़ होती है, आप लोगों ने एक एक्यूरेट क्यूरी देनी होती है, उसकी बेस पे वो रिजल्ट जनरेट करता है। रैंडमली जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं वैसे करेंगे, तो ये भी आपको रैंडमली आंसर करेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं करेगा। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फाइल मिल जाएगी जिसके अंदर इस तरह करके क्यूरीज लिखी होंगी। सबसे पहले आपने फर्स्ट क्यूरी को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है। अब ये आपको एक, अब इसने 10 लिखे हैं, आप इसे कह सकते हैं जनरेटिंग मोर, ये जनरेट 100 ऑफ देम। लाइक मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब मैंने जनरेट 100 ऑफ देम लिखा है, तो अब ये मुझे इससे ज़्यादा लिख के देगा। 100 में भी ना भी लिख के दे, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है 3.5 चैट जीपीटी वाले की। तो अब ये मैक्सिमम कोशिश करेगा कि मैं लिखता रहूँ। उसके बाद आप लोगों ने इसे सेकंड कमांड देनी है कि ये आपको ना टेबल की फॉर्म में लिस्ट कर दे, जो फॉर्मेट आप इसे प्रोवाइड करेंगे उस टेबल की फॉर्म। उस टेबल का फ़ायदा क्या होगा ये आपको वीडियो के अंदर ही समझ लग जाएगी कि इसको आप किस तरह आप यूटिलाइज करेंगे। अब ये देखिए इसने कितना खूबसूरत तरीके से उसको एक फॉर्मेट में प्रॉपर डिफाइन कर दिया। यार अगर बैकग्राउंड में कोई थोड़ी बहुत नॉइस आ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि कोई ना कोई आता ही जाता रहता है। कोशिश करते हैं कि वीडियो एडिटिंग के अंदर उस चीज़ को रिमूव कर दें, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह ही जाती है। जब आपके पास इस तरह का टेबल जनरेट हो जाए चैट जीपीटी के अंदर, तो आपने सिंपली उसको कॉपी कर लेना है। अब मैं थोड़ी सी कॉपी करूंगा, सारी कॉपी नहीं कर, आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ से कंटिन्यू जनरेटिंग के बाद इसको आगे मजीद जनरेट भी कर सकते हैं। इसको अपने कॉपी करना है और गूगल शीट के अंदर आके सिंपली कंट्रोल वी कर दें। अब ये हमारे पास गूगल शीट के अंदर आ गई। आप वहाँ से डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर सेविंग के लिए अच्छा होता है। कहीं चैट जीपीटी रिफ्रेश हो सकता है, इंटरनेट ड्रॉप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये मैंने तकरीबन 17 शॉर्ट्स का डाटा उससे कलेक्ट कर लिया। अब आपने जाना है कैनवा पे। कैनवा पे हमें एक फीचर पेड ज़रूरत होगा, या कुछ एलिमेंट्स पेड भी चाहिए होंगे। तो आपको पाकिस्तान के अंदर, या आप फेसबुक पे जाएंगे इंडिया पाकिस्तान, इधर बहुत सारे सेलर्स आपको ना 300-400-500 में प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 साल तो चल ही जाता है। अब 300-400 रुपये एक ही दफ़ा लिए कि आप कैनवा पेड टूल परचेज कर लें, आप सारे फीचर्स उसके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपने जाना है कैनवा के अंदर। कैनवा ओपन कर लिए, कैनवा पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब शॉर्ट्स। तो आपको यहाँ से कोई भी यूट्यूब शॉर्ट का एक फॉर्मेट उठाना है, लाइक मैं ये वाला उठा लेता हूँ, और इसको आपने कर देना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। जैसे ही टेम्पलेट ओपन हो जाए, आपने सिंपली जो उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह होगा उसको डिलीट कर देना, क्योंकि हम इसको फुली कस्टमाइज खुद करेंगे। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है मोटिवेशनल कोट्स, क्योंकि हमें एक कोट्स की फॉर्म में अपनी वीडियो बनानी है। तो हम यहाँ से कोई एक कोट उठा लेते हैं, लाइक ये वाला मैं उठा लेता हूँ। फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, लाइक सबसे पहले ऊपर हमारा टाइटल आएगा। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर अपना टाइटल लिख देना। हमारा टाइटल क्या था, चलते हैं अपने गूगल शीट की तरफ। यहाँ से हम अपना थीम उठा लेते हैं, थीम हमारा क्या था, स्लीप एंड ड्रीम, ये लिख दें, या हम यहाँ पे लिख देते हैं अटेंशन फैक्ट। अटेंशन फैक्ट की हेडिंग देंगे, ताकि यूजर का हम ना एक ध्यान उसका अपनी शॉर्ट के ऊपर रखे, ताकि वो पूरी शॉर्ट देखे। सिंपली आप इसको डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि हमने टेक्स्ट ही यूज करना है, तो इसको डुप्लीकेट। जब आपने अटेंशन फैक्ट अपने अपना टाइटल ऐड कर लिया, या जो टाइटल हमने एक्सेल में लिखा था वो टाइटल भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने ये वाला टाइटल ऐड किया, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ नीचे ले गएंगे, सेंटर में से ले गया। अब सेंटर में जब आपने इसे ले आना है, तो इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेंगे, इसका फॉन्ट छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमने ना इसके अंदर पूरा एक अपना फैक्ट लिखना है। तो
बड़े फॉन्ट के अंदर लिखेंगे तो वो थोड़ा बुरा सा लगेगा। अब यहाँ से आप कोई भी अपने मर्जी का फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ से अपनी मर्जी का एक फॉन्ट यूज़ करता हूँ, मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो एक्सेल शीट के अंदर वहाँ पर डाटा पड़ा है फर्स्ट पार्ट को कॉपी करेंगे। फर्स्ट पार्ट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्रीन जो टाइम है उसको हमने एडजस्ट करना है, लाइक शोइंग टाइम जो है। अब सबसे पहले ना हम अटेंशन फैक्ट का टाइम शो करते हैं। इसमें तो पूरा ही आना है ना, पूरी वीडियो पे अटेंशन फैक्ट लिखा आएगा, तो इसका इतना ना एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम सिंपली टाइप राइटर पर जाके ना इसको एक एनिमेशन दे देंगे, लाइक एनिमेशन हम ये वाली दे देंगे। उसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर। अब इसको हमने जैसे टेंशन फैक्ट हमारा यू लोड होगा, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसको पांच पेज के अंदर हमें जितनी देर इसको स्क्रीन पे शो करवाना है ये करवा लेंगे। तो फॉन्ट वगैरह ना इसका चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ही ख़त्म होगा ना, तो आपने इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बनानी है, उसको नीचे लेके चले जाएं। और उसके बाद इसके अंदर हम ना अपना सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे, बिगेन टू इमेजिन जो इसका सेकेंड पार्ट होगा, यहाँ इसको पेस्ट कर दें। अब इसका हम टाइम एडजस्ट करेंगे, शोइंग टाइम। अब देखो जो पहला था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, ठीक है। अब हम इसके इसको रख देंगे और यहाँ तक मैं इसको रख देता हूँ, मैं अपनी शॉर्ट 9 सेकंड कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, उसने तो वैसे भी हाइड हो जाना है अपने टाइम पीरियड के बाद, तो उसके बाद ये वाला डायरेक्ट शो होने लग जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने इसको ऑटोमेशन कैसे करना है, इस तो आप कहेंगे कि यार ये तो मैं बनाता रहूंगा, ये तो मैं अडोबी से भी बना सकता हूँ। जैसे आप लोग बल्क सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा बल्क के नाम से। अच्छा, अगर आप लोग जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फेसबुक पे काफ़ी सारे सेलर्स मिल जाएंगे कैनवा के, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। वैसे कैनवा जो है खुद भी 30 डे का ट्रायल वर्जन देता है, 30 डे के अंदर आप 2-3 हज़ार शॉर्ट्स आराम से जनरेट कर सकते हैं। डेली के 300-400 आप जनरेट करें तो, वैसे आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हम कितनी जल्दी इसको 5-6 मिनट के अंदर हम 17 बना सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी एक ही बारी में बना सकते हैं। अब आपके पास ये जैसे आपके पास बल्क वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपने इंटर डाटा मैन्युअली करना है और उसके बाद क्लियर टेबल कर देना, पुराना डाटा डिलीट कर देना। अब हमने यहाँ पे ना जो अपनी एक्सेल शीट बनाई थी लाइक ये वाली, इसको हमने ये हेडिंग समेत कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी, और हमने जहाँ पे यहाँ की जगह पेस्ट कर देना। अब ये देखो मैंने 17 बनाई थी ना, तो 17 है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि ना ये प्रोसेसिंग लेगा थोड़ी सी, तो उस पर आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। इसी तरह आपने ना पेस्ट करना है, जितनी भी होंगी तो आपकी पेस्ट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ से ना 5 का डाटा कॉपी कर लेता हूँ। आप ज़्यादा का भी मैंने करके दिखाया, आप उसी तरह जिस तरह मर्जी जितने मर्जी शॉर्ट्स का डाटा पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 का डाटा ले लिया, उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है डन पे। डन पे क्लिक करूँगा, अब ये देखिए हमारे पास थीम फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आ गया। इसको हमने वापस उठा के ना नीचे कर देते हैं ताकि हमें एडजस्ट करने में आसानी हो। अब हमने क्या करना है कि वो जो हमने डाटा दिया ना, वो ऑटोमेटिकली हर शॉट का सेपरेटली खुद ही रिप्लेस हो जाए। सिंपली इस पे क्लिक करना है, कनेक्ट डाटा करना है। फर्स्ट पे तो थीम आएगा हमारा, सेकंड पे कनेक्ट डाटा करना है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमने कनेक्ट डाटा करना है और सेकेंड पार्ट डन। यहाँ से बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अभी आप जादू देखिए, देखो 4 शॉर्ट्स हमारे पास बन गया और हर एक का डिफरेंट डाटा होगा। अब ये देखना, यहाँ पे स्लीप एंड ड्रीम वाला आया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला, यहाँ पे फिजिकल टच वाला, और यहाँ पे नेचर एंड। तो इसी तरह आप जितने मर्जी बनाएंगे वो इस तरह बनते जाएंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इनके बैकग्राउंड वगैरह को चेंज करना है, तो सिंपली आपने यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च कर लें, सनसेट या जो भी आपने यहाँ से थीम सर्च करना है। मैं लाइक ये वाला थीम उठाता हूँ और सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, ये इसके बैकग्राउंड पे लग जाएगा।
आप कोई और लगाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से उसको लगा भी सकते हैं। अब ये मैंने इस तरह इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया। आप इसी तरह किसी भी शॉट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हर शॉट का डिफरेंट लगा के। तो सिंपली आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ऑल फोर पेजेस पे, मतलब ये सारे सेपरेटली डाउनलोड होंगे। यहाँ पे आपने इसको चेक लगा देना, डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल। तो इससे क्या होगा कि हर जो शॉट होगी ना वो अलग अलग आपके लिए डाउनलोड होगी। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो इस तरह आप अपनी सारी शॉर्ट्स को डाउनलोड करके बारी बारी यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो देख कितनी जल्दी हम लोगों ने 4 शॉर्ट्स बना लिया, आप इससे ज़्यादा भी। बस आपने एक सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करना है। कमांड्स आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फाइल दे दूंगा नोट पैड की, जिसके अंदर कमांड्स लिखी होंगी। उसके बाद आपने उस टेबल को कॉपी करके सिंपली अपने एक्सेल शीट पे लगाना है और एक शॉट डिज़ाइन करने के बाद बाकी का डाटा ऑटोमेटिकली कैनवा के थ्रू कनेक्ट कर लेना। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो लाजमी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जो लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके पास टाइम की कमी है।